सॉरी अभिजी, मुझे मालूम है कि ये जगह आपको थोड़ी अजीब सी लग रही है, लेकिन क्या है ना, मैंने लड़की वालों से कहकर जानबूझकर यही हॉल में शादी रखवाई है। हमें ये अरोरा फैमिली को सबक जो सिखाना था। सबक? हाँ, आपने जानते हैं अरोरा फैमिली को, इनकी जो बड़ी लड़की है ना, दिखने में भोली है पर है बड़ी अकुल। कौन, चश्मिश? हाँ, अरे उसका रिश्ता पहले मेरे बेटे के साथ तय हुआ था, लेकिन शादी वाले दिन उसने अचानक शादी करने से मना कर दिया। अच्छा, क्यों? क्या है ना, दहेज में हमने ये हॉल मांग लिया था। नहीं, आप ही बताइए, शादी के बाद ये हॉल उनके नाम पे रहे या उनके दामाद के नाम पे, क्या फर्क पड़ता है? तो मेरा तरुण इस हॉल को रिनोवेट करवा के उनका बिजनेस बढ़ाता था, तो फायदा तो उनका ही होने वाला था ना। करेक्ट। लेकिन मुंह पे साफ मना कर दिया, उनकी तो जान अटकी हुई है इस हॉल में। वैसे अच्छा ही हुआ तो ये शादी टूट गई, अब बड़े घर की बेटी मेरे घर में बहू बनकर आ रही है। क्या बात, गुड फॉर यू। ये चश्मिश में उसे ना मेरा बेटा मिला ना ये हॉल। सॉरी, लगता है एसी ठीक से काम नहीं कर रहा। मैं आपके लिए कूलर का बंदोबस्त करवा के आ दूँ। बर्फ का लादी भी चल जाएगा। सुनो, क्या ये सब क्या हो रहा है? शादी हो रही, दिख नहीं रहा। अरे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर इतनी गर्मी क्यों है? जिनका दिमाग गर्म होता है ना, उन्हें हर जगह गर्मी लगती है। तुम अपना मुंह बंद, मुझे प्यास लग रही है, पीने के लिए कुछ दो। क्या ये? कोल्ड ड्रिंक। मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा? पता है कोल्ड ड्रिंक में कितने कैलोरीज होते हैं? मुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं चाहिए, मुझे कुछ हेल्दी चाहिए। जूस। मैं जूस सिर्फ घर पर पीता हूँ, मैं घर के बाहर जूस नहीं पीता। कॉफी लो। मुझे पता था आप यही कहेंगे। पीजिए कॉफी। कॉफी? ये क्या है? तुम्हें पता नहीं कि मैं गर्म कॉफी सिर्फ सुबह को पीता हूँ, शाम को मैं कोल्ड कॉफी पीता हूँ, और यहाँ पर इतनी गर्मी है, मुझे कोल्ड कॉफी चाहिए। कोल्ड कॉफी, गर्मी, कोल्ड कॉफी। नॉट अ प्रॉब्लम, 10 मिनट में रहे। मुझे प्यास लग रही है, तुम यहाँ पर फूंक मार रही हो, तब तक के लिए मुझे पानी। देखो, ये तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने क्या किया? अरे तुमने उस दूल्हे तरुण के साथ शादी क्यों नहीं की? अगर तुमने उसके साथ शादी कर ली होती ना, कम से कम मैं तो बचा था। ये सब आपको किसने बताया? अरे इतनी बड़ी खबर बताई नहीं जाती, पेपर में छप जाता है। ये मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ी, समझी? तो ये नहीं पढ़ा कि मैंने शादी किस लिए नहीं की? वो लोग दहेज में ये मैरिज हॉल मांग रहे थे। दहेज? और तुमसे मांग रहे थे? अरे तुम तो दहेज लेने वालों में से एक हो, दहेज नहीं मिली होगी ना इसलिए तुमने मुझे फंसाया। आपको जो समझना है समझिए, मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर। हाँ, तुम कहाँ एक्सप्लेन कर पाओगी? तुमने उससे शादी कर ली होती ना, तो तुम्हें एक अच्छा पति भी मिल जाता और तुम्हारे हॉल भी बच जाता। लेकिन नहीं, मैं तुम्हें क्यों समझा रहा हूँ? तुम्हें समझाना मतलब पत्थर का चूस निकालने जैसा है। कहाँ जा रही हो तुम? मुझे अभी प्यास लगी है, पानी कब मिलेगा? ये यहाँ रहेंगे ना तो इसी तरह परेशान करते रहेंगे। इन्हें यहाँ से थोड़ी देर के लिए भेजना होगा। टाइम क्यों लगा रही हो? ये तुमने क्या किया? मैंने क्या किया? मैंने सारा पानी रखिए, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए ना बेटा, मेहमान है वो हमारे। मैंने जानबूझ के थोड़ी किया। अच्छा, बस बस ठीक है। अच्छा हुआ पानी गिरा है, जूस और कॉफी गिर जाती ना तो निशान भी नहीं जाता। प्रज्ञा एक काम कर, जा घर ले जाने और वो प्रेस करके इनके कपड़े सुखा दे, फिर इनको वापस ले आना। मैं क्यों? मैं यहाँ, मैंने कहा ना वो काम सब मैं कर लूंगी। अच्छा जी आप जाओ, अब प्रज्ञा सब कर देगी। हाँ जा, जा जल्दी जा, क्या कर रही है? मुझे पता होता कि पानी गिराने के बाद मुझे ही इनकी शर्ट प्रेस करनी होगी, तो मैं शर्ट की जगह इन्हीं पे पानी गिरा देती और इन्हीं को प्रेस कर देती। पता नहीं क्यों, जितना मैं इन्हें दूर भेजने की कोशिश करती हूँ, मेरा भाग्य उतना ही मेरे पास ले आता है इन्हें। कर क्या रही हो तुम? इतना टाइम नहीं है मेरे पास, पर ये तुम्हारी साड़ी नहीं, मेरा टी-शर्ट है। और तुम जानती हो मेरा वक्त कितना कीमती है ना? आपकी कीमती वक्त की कोई फिक्र नहीं है, जो है ना अच्छा ही। जो लोग दूसरों का बुरा चाहते हैं ना, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। अब समझ गया, ये तुम्हारा प्लान था। तुमने जानबूझकर मुझ पर पानी गिराया ताकि मैं देखा नहीं जा रहा ना तुमसे कि जिस हॉल से तुम पैसे नहीं कमा पा रही हो, उस हॉल से मैं पैसे कमा रहा हूं। देखा तो शायद आपसे नहीं जा रहा, हम उस हॉल से पैसे कमाते हैं।
इसलिए तो आप हमारी हेल्प नहीं कर रहे। हाँ, मैं तुम्हारी हेल्प करने भी नहीं, इसलिए अपना ये इमोशनल अत्याचार अपने पास रखो क्योंकि इसका मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। पत्थरों पे किसी भी चीज का असर नहीं होता। मुझे गुस्सा इस बात का नहीं आ रहा कि आप हमारी मदद नहीं कर, मुझे गुस्सा अपने आप पर आ रहा कि मैंने आपसे मदद ही क्यों मांगी। हाँ हाँ, तुम बोलोगी क्योंकि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। पता है, तुम उस बिल्ली की तरह जो जिंदगी भर सबका रास्ता काटती रही लेकिन अब जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा, तो पागल हो गई, फ्रस्ट्रेटेड। अब देख क्या रही हो, देखने तो देख। कर क्या रही हो तो? तुम मेरा गलत हवारी थी ना, क्या कर रही हो? जान से मारने की कोशिश कर रही थी मुझे? नहीं, वो धूल झाड़। हाँ, हटा दी। धूल हटा रही थी या मुझे दुनिया से हटाने की कोशिश कर रही थी? अच्छा, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। क्या करेंगे आप? क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा मैं तुम्हारे साथ? दादी की वजह से हमेशा बचती आई हो ना, आज कौन बचाएगा तुम्हें? आज तो मैं तुम्हारा किस्सा ही खत्म कर दूंगा। नहीं नहीं, आपको देर हो रही है ना, आपका कीमती वक्त जाया हो रहा है, जाइए, वेट कर रहे सब आपका। अगर वो लोग मुझे डबल पैसे भी देना तो मैं ये मौका नहीं छोड़ने वाला। तुम तो गई काम से। नहीं, अरे कहाँ भागोगी तुम? अब भाग के दिखा। आपके हाथ तो नहीं आऊंगी मैं। तुम जितना भागोगी ना उतना तड़पाऊंगा मैं। मैंने कुछ क्या कहा? छोड़ी मुझे। कहाँ जाओगी तुम? जाने क्या बात है, ये कैसा साथ है? जाने क्या बात है, ये कैसा साथ है? और बाकी करो ये खामोशियाँ, क्यों है दूरियाँ बताए कोई? और बाकी करो ये खामोशियाँ, क्यों है दूरियाँ बताए कोई? ये सब तोड़ना है। सब खाली कराओ यहाँ से, कोई नहीं यहाँ पर रहना चाहिए, हटाओ सबको। अरे नहीं, एक मिनट, देखिए इस समय तो शादी चल रही है ना, अभी विदाई भी नहीं हुई है। नोटिस दिया था, हटाओ। नोटिस कल का था ना, आप कल सुबह आइएगा, फिर जो करना कर लीजिए, लेकिन अभी जाइए। मैडम, आपका दिन आज 12 बजे के बाद ही खत्म हो जाता है, समझे? कॉर्पोरेटर साहब को ये आज ही तोड़ना है, स्पेशल ऑर्डर लिया है उन्होंने। ए पाटिल, चल जा अंदर, देख दूसरे मकान को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, जा अंदर जल्दी। कुछ भी नहीं होने दूंगी, आप कल सुबह आइएगा, आप अभी मत करिए कुछ भी, आप जाइए यहाँ से, कल सुबह आके आराम से। किस बात का शोर हो रहा है? और ये पुलिस कौन है आप लोग? पीएमसी, हॉल तोड़ने आए हैं। अरे क्या ये सब, हमारे बेटे के अंदर शादी हो रही है और बाहर पीएमसी वाले खड़े? तुम मेरे बेटे की शादी का तमाशा बनाना चाहती हो? नहीं जी, वो डेट कल की थी, मैं तो खुद इनसे यही कह रही हूँ। तुमने सोचा कि जब हॉल टूटने ही वाला है तो क्यों ना एक रिस्क लेके आखिरी शादी कर दी जाए, थोड़े बहुत पैसे कमा लिए जाए। एक पैसा नहीं मिलेगा तुम्हें इस शादी का। आप अपने पैसे अपने पास ही रखिए, हमारे हॉल से बड़ा नहीं है। और देखिए जी, ये कानूनी गलत है, आधी रात को आप हमारा हॉल नहीं तोड़ सकते इस तरीके से। वो हम नहीं जानते हैं, जो बात करना है कॉर्पोरेटर साहब से जाके बात करो। प्रज्ञा पुत्र, ये बीएमसी वाले आए अपना हॉल तोड़ने इस वक्त आधी रात को। तुम ये नहीं कर सकते, ये गलत है। बीच रात को तुम बीएम से, ये इलीगल है, अंदर किसी की शादी चल रही है। शादी तो मेरी भी होने वाली थी, पर अफसोस है, मुझे मेरा काम सिखाने की जरूरत है। मेरे पास स्पेशल ऑर्डर्स है इस कॉल को तोड़, और अगर तुम बीच में आई तो वो इलीगल होगा। इसे तो मैं बाद में बात करूं। हाँ, कर लेंगे बात। चला रे यादव, बीएमसी वाले हमारा हॉल तोड़ने हैं, प्लीज प्लीज मदद कर दीजिए। आप मदद करेंगे तो जरूर कुछ हो जाए। फॉरगेट मैरिज ऑर्डर, तुम्हें हमारी मैरिज याद है, तुम्हें हमारे मैरिज का वचन याद है, चौथा वचन
तुम्हारी फैमिली अब मेरी जिम्मेदारी। तुम पर आने वाली हर मुसीबत को मैं अपने ऊपर लूंगा, याद है तुम्हें? हाँ। गुड मेमोरी, क्योंकि मुझे याद नहीं। मुझे याद आकाश, मिस्टर कॉर्पोरेटर, सब आप ही करवा रहे होगा। देखो, मैं जानता हूँ तुम कौन हो। तुम इस अरोरा फैमिली की बड़ी बेटी के पति हो रहे। कोई सेलिब्रिटी वेलिब्रिटी हो ना तुम, बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर तुम मुझे कुछ समझाने या रोकने आए हो तो सोचना भी मत। मेरे पास इस हॉल को तोड़ने के लिए स्पेशल ऑर्डर्स है, समझा? तुम अपने काम पर ध्यान दो, मेरे काम में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं। ना, अब्बा, तुमने कुछ कहा? नहीं भाई। किसने तुमसे कहा कि मैं तुम्हें रोकने आया हूँ? Who said that to you? मेरे पास और बहुत सारे काम हैं। मैं इस मैटर में अपना टाइम क्यों वेस्ट करूंगा? और कोई स्टे ऑर्डर है हमारे पास? नहीं है। हमारे पास तो कोई स्टे ऑर्डर भी नहीं है। हम कैसे रोकेंगे आपको? आप यू कैरी ऑन डूइंग सच ग्रेट वर्क। और वैसे भी इस घर के मेंबर होने से पहले हम इस देश के रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है। हम किसी भी लीगल मैटर में ना इंटरफेयर नहीं करेंगे। सो यू कैरी ऑन। और मैं तो इनफैक्ट आपको थैंक्स कहने आया था। थैंक यू सो मच। जो बदला मैं इस घर की बेटियों से नहीं ले पाया वो आप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। कम ऑन, डू द शेक। थैंक यू सर। चेस्ट आउट, स्टमक इन, लुकिंग सो हॉट। ऐसे क्यों बोल रहा था अभी तुझसे? प्रज्ञा, क्या हो रहा है? तू क्यों मुझसे बातें छुपा रही? क्यों करी उसने ऐसी बात? प्रज्ञा, क्या हुआ? तू क्यों छुपा रही है बेटा? क्यों कहा? प्रज्ञा बोल ना। आंटी जी नमस्कार, आपने पहचाना हमें? अरे कमाल कर दिया आंटी, हमने हमें पहचाना नहीं। खैर कोई बात नहीं, आपने नहीं पहचाना तो ठीक है, क्या फर्क पड़ता है ना आंटी हैं? वैसे एक बात बता दें आपको कि जो आज हम करने वाले हैं ना, आप हमें जिंदगी भर नहीं भूलेंगे आंटी। और हम सच कह रहे हैं, हमें नहीं पता था कि आज आप शादी करा रही है, वो भी इस वक्त। ना आई शपथ, हम बिल्कुल नहीं आते इस वक्त, तो बिल्कुल नहीं आते। बहुत पहले आ गए। प्रज्ञा जी नमस्कार। वैसे हमें पता नहीं था कि आपके पति देव भी यहाँ पर होंगे। वैसे हम जानते हैं आप लोगों को सुन के ज्यादा खुशी तो नहीं होगी, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि वो हैं आपके फैमिली के, लेकिन हैं हमारे तरफ। अब बताओ यादव, आंटी हमें तो लगा था कि अगर वो यहाँ पे होगा तो हमें बहुत तकलीफ आने वाली है, पर कमाल है, वो तो खुद चाहता है कि आप लोगों का हॉल टूटे। तरस आता है आंटी आप लोगों को, आप लोगों की मदद कौन करेगा? आपके अपने अपना साथ छोड़ दिए। वैसे सच बताएं, अगर हमारी शादी बुलबुल से करा देते ना, तो आज ये नौबत नहीं आती। हम सब संभाल लेते। चला रहे यादव, बहुत काम है हमारे को, एक ही काम नहीं पड़ा है। चल बता, ये क्या कह रहा था अभी ने जो तुझसे कहा
जो उसने इस कारपेंटर से कहा वो मुझे हॉल के अंदर बीएमसी वाले घुस गए हॉल को तोड़ने के लिए और वो लड़के वाले भी चले गए। जिसको जाना है जाने दे, इस समय मुझे प्रज्ञा से बात करना ज्यादा जरूरी, तू बीच में मत आ। That's it. चल, let's go. What are you doing, Alia? मेरा शूट चल रहा है। चल रहा है नहीं, चल रहा था। Now it's backup time. Backup, guys. What? Come on, you can leave now. Alia, important shoot है। कल यही photos मुझे producers को दिखाने हैं। Sweetheart, जो होने वाला है उसके बाद ना तुम अपने producer को भी भूल जाओगे और बाकी सारी चीजें भी भूल जाओगी। So just chill और चल मेरे साथ। ऐसा क्या होने वाला है जिसके लिए तुम आधा घंटा नहीं रुक सकती हो? इस आधे घंटे में कुछ ऐसा होने वाला जिसे तुम नहीं देख पाई तो तुम जिंदगी भर पछताओगे। आलिया, क्या होने वाला है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या कह रही हो? ये समझ लो कि किसी की लाइफ बर्बाद होने वाली, किसी ऐसे ही इंसान की जिसने हमारी लाइफ स्पॉइल की। किसकी लाइफ बर्बाद होने वाली? क्या स्वीटहार्ट, बहन जी की लाइफ की ट्रेजेडी लिखी जा रही है। उसकी फैमिली बर्बाद होने वाली है उसके साथ। And I'm sure you don't want to miss that. ये सब कैसे होने वाला? कुमकुम भाग्य, वो मैरिज हॉल जो उसके पूरे फैमिली की लाइफ लाइन है, वो टूटने वाला है। कैसे टूटने वाला है? अब सारी बातें खड़ी खड़ी यहीं पर करोगी या वहां पर चल के भी देखोगी? Listen, I don't want to miss a single chance. मैं बस उस बहन जी और उसके परिवार वालों को सबको तरने देखना चाहती हूँ। So let's go. बाकी बातें मैं तुझे कार में बताती हूँ। चल। मैं जानना चाहती हूँ प्रज्ञा कि क्या सच है, क्यों अभी तुझसे ऐसे बात कर रहा था, ऐसा क्या हुआ है तुम दोनों के बीच में? अब क्या बोल रही है? इतनी टेंशन में मैंने तो ठीक से कुछ सुना भी नहीं। आप यूं ही ठीक, तुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया ना? मैं तुझे बताती हूँ वो तुझे क्या बोल रहा था। उसने ये कहा कि शादी के समय जो चौथा वचन उसने लिया था ना, वो उसे याद नहीं है, नहीं मानता है वो उसे। उस कॉर्पोरेटर ने कहा कि वो खुद चाहता है कि हमारा हॉल टूट जाए, हमारी मदद नहीं करना चाहता वो। क्यों नहीं करना चाहता वो हमारी मदद? जब मैं अस्पताल में थी तब क्यों मदद कर रहा था वो? ऐसा क्या हो गया है जो इतनी बड़ी बात कह गया? देख, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तू मुझे बता दे। आप फिर वही बातें कर रहे हैं। मैं कह रही हूं ना, सब कुछ ठीक है। अभी अभी हॉल को देखते हैं ना, पहले जाकर आप। नहीं, तुझे ऐसा लगता है ना, तो तू मेरी कसम खा, मेरी कसम खा कि तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है, तुम्हारा रिश्ता बिल्कुल ठीक है। खा मेरी कसम। अभी ने जो तुझे कहा ना, उसे सुनकर मुझे उतना दुख नहीं जितना तेरी आंखों में डर देख कर उड़ा। क्यों मुझसे आके छुपा रही है तू? क्या हुआ? अब ये मत कहना कि पति पत्नी के आपस का मामला है, तू खुद सुलझा लेगी। क्योंकि अगर बात इतनी छोटी होती ना, तो मैं तुझसे बार बार नहीं पूछती और अभी वैसे बात नहीं करता जैसे वो करके गई। क्या अगर तूने मुझे सच नहीं बताया ना, तो तेरी कसम मैं अभी जाकर अभी से पूछूंगी, उसकी दादी से पूछूंगी कि क्यों ले गई थी वो मेरी बेटी को अपने अभी से शादी कराने के लिए। मैं अभी जाकर अभी से पूछती। नहीं, अब वहां नहीं जाएगी। तू नहीं चाहती ना मैं वहां जाऊं? तो मुझे सच बता देना प्रज्ञा। इस घर में तुम्हारा कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुम्हें इस घर में रहने की सिर्फ इजाजत दी गई है, हक नहीं। और कोई हक नहीं तुम्हारा, ना मुझ पर ना इस घर पर। मैं हर पल तुम्हें अपनी नफरत का एहसास दिलाता रहूंगा। यू आर नोबडी टू मी। तुम्हें मेरे घर और मेरी जिंदगी से जाना होगा। तुमने मेरी दादी और मेरी बहन की जिंदगी खराब कर दी। मैंने बता ना बेटा, क्या सच है? सब सच बता दूंगी मैं। उन्होंने जो कुछ सरला, चल ये वक्त नहीं है इन बातों का, तू इधर चल। मुझे एक नहीं, तू चल।